स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। और आज का कदम कैसे आप यहाँ पर नेविगेशन बटन या नेविगेशन गेस्चर्स का कैसे यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाता है, या तो आप नेविगेशन बटन्स का यूज़ कर सकते हैं या तो आप गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। इसके लिए इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है सेटिंग, इस पर क्लिक कर देंगे आप। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले, इस पर क्लिक करना है, आपसे ओपन कर लेना है। और डिस्प्ले को जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है नेविगेशन बार, इस पर क्लिक कर देंगे आप। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है, देखिए जैसे कि मैं आपको बताई थी, यहाँ पर एक बटन है और ये स्वाइप गेस्चर्स का यूज़ कर सकते हैं आप। तो आपको बताते हैं, पहले स्वाइप गेस्चर्स, इस पर क्लिक कर देंगे आप। ये हो चुका है ऑन, कैसे यूज़ करना है इसे बताए हुए, मोड पर क्लिक कर देंगे आप। देखिए ऐसे यूज़ करना है आपको, स्वाइप डाउन या फ्रॉम बटन्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको, गेस्चर्स इस तरीके से यूज़ करना है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से पैक करना है, यहाँ पे आप पैक कर सकते हैं। आप बटन की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ नया सकता है इसको यूज़ करने में, क्योंकि हमेशा हम बटन यूज़ करते हैं, कुछ यूनिक भी लगेगा। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो चुका मिनिमाइज़। अगर इसको होम करना है तो इस पर क्लिक करेंगे आप। और ये देखिए सीधा इस पर क्लिक करना है, ये नीचे की ओर स्वाइप करना है आपको और यूज हो देना है। ये हो चुका है होम। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो अब दिखाते हैं आपको नेविगेशन बटन इनेबल करके, इस पर क्लिक कर देंगे आप। तो इनमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो आपको इजीली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी इजीली लगता है इसमें से, दोनों में से उन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर फिर से आपको बटन इनेबल करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे आप। और बटन चेंज भी कर सकते हैं आप, चेंज का भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आपको। ऊपर की स्क्रॉल करेंगे आप, फिर से नेविगेशन बटन का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यह बटन, इस पर क्लिक करना है आपको। ये देखिए, और यहाँ पर बटन आप चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए तो ये दोनों बिल्कुल चेंज है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो चुका। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और चेंज भी कर सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।